subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा, आज आपका फिर से एक नए चैप्टर में स्वागत करता हूं। आज का जो न्यू टॉपिक है, आज हम बात करेंगे मास ट्रांसफर के बारे में। मास ट्रांसफर क्या होते हैं, उसके न्यू यूनिट के बारे में बात करेंगे। आज हमारा न्यू यूनिट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आज के जो टॉपिक पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन, डिफ्यूजन क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, कितने टाइप्स के डिफ्यूजन होते हैं, उनमें क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिक्स लॉ, जो डिफ्यूजन हमारी होती है जो फिक्स लॉ पे डिपेंड होती है, वो कैसे डिपेंड करती है उसके बारे में बात करेंगे। और मास ट्रांसफर कोफिशियंट, मास ट्रांसफर कोफिशियंट का क्या इफेक्ट पड़ता है मास ट्रांसफर में उसके बारे में बात करेंगे। और मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांसफर, किस कैसे कैसे मास ट्रांसफर होती है और कौन से लॉ अप्लाई होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन कि क्या है डिफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन। जानने से पहले हम जाने मास ट्रांसफर क्या है। तो मास ट्रांसफर हमारी वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें मास का ट्रांसफर या मास का ट्रांसफर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वैरी करती है। जैसे अब जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो जैसे हम कोई कंटेनर लेते हैं, कंटेनर लिए और इसमें कोई पार्टीशन हम कर दिए, इधर मान लेते हैं कोई कंपोनेंट ए है, इधर कंपोनेंट बी है, ठीक है ना। इसका भी कुछ मास रहा होगा, कुछ कंसंट्रेशन रही होगी, इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन रही होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं एक है और इसकी कंसंट्रेशन दो है, तो मास का ट्रांसफर हमेशा दो से एक की तरफ होता रहेगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों एक या एक नहीं हो जाते हैं, या दो नहीं हो जाते, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, तब तक मास ट्रांसफर हमारी होती रहेगी, ठीक है ना। ये होती है हमारी मास ट्रांसफर बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि ये डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे कि डिफ्यूजन वाला यूनिट ऑपरेशन है। अगर यूनिट ऑपरेशन और प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो डिफ्यूजन वाला यूनिट ऑपरेशन है जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट, जो गैस मिक्सचर में है, इंडिविजुअल कंपोनेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वैरी करती है। ये हो सकता है कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी हो या ना लगी हो, लेकिन टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टेंट हो। वह फिर से देखते हैं क्या है डिफ्यूजन वाला यूनिट ऑपरेशन है जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट गैस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वैरी करती है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, विद एक्सटर्नल फोर्स या विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। ये होती है हमारी डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं। बेसिकली हमारे डिफ्यूजन टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारी होती है मॉलिकुलर डिफ्यूजन और जो सेकेंड हमारी होती है वो होती है एडी, या इसे टर्बुलेंट बोल सकते हैं, टर्बुलेंट डिफ्यूजन। अब एक एक करके बात करते हैं कि क्या होती है मॉलिकुलर डिफ्यूजन। तो मॉलिकुलर डिफ्यूजन बेसिकली क्या होते हैं, इसमें जो मास का ट्रांसफर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है वो विदाउट के एनी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे क्या होती है कि हमने कोई कंटेनर ले लिया, सिंपली कंटेनर ले लिया, इसमें दो कोई कंपोनेंट है ए एंड बी, इसे कोई पार्टीशन द्वारा हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक, सेपरेट कर दिए, इसमें कोई कंपोनेंट है, इसमें कोई कंपोनेंट है। तो जब हम ये पार्टीशन को यहां से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो मास ट्रांसफर तो दोनों के होंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन तब तक होंगे बहुत टाइम इसमें लगता है। ये लेमिनार कंडीशन टाइप की होती है कि बहुत धीरे धीरे, अगर हमने छोड़ा तो 5 साल 10 साल में पूरी तरह से डिफ्यूज हो पाएंगे, ठीक। ये होती है हमारी मॉलिकुलर डिफ्यूजन। मॉलिकुलर डिफ्यूजन को हम बेसिकली बोल सकते हैं रैंडम डिफ्यूजन। इसमें कैसे डिफ्यूजन होती है, इधर मॉलिक्यूल्स गए, इधर आए, इधर चले गए, ये होती है हमारी मॉलिकुलर डिफ्यूजन, जिसमें डिफ्यूजन तो होगी लेकिन टाइमिंग ज्यादा लगती है हमारी। अब दूसरी हम बात करते हैं एडी डिफ्यूजन की। क्या होती है एडी डिफ्यूजन? एडी डिफ्यूजन जो हमारी होती है टर्बुलेंट डिफ्यूजन, उसमें क्या होती है मास का ट्रांसफर होता है, ठीक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन इसमें जो होती है एक्सटर्नल फोर्स हम यूज करते हैं, जैसे एजिटेटर हो गया, मिक्सिंग के लिए कोई बैफल यूज कर दिए, ये सब हम एजिटेटर के रूप में यूज करते हैं। इसमें जो मास ट्रांसफर होती है वो बहुत तेजी से होती है। जैसे देखें कि हमने एक बैसल लिया, उसमें पार्टीशन हमने कर लिया अलग, कंपोनेंट ए था, कंपोनेंट बी थी हमारी, ठीक। इसमें हम कोई एजिटेटर लगा देते हैं, ठीक, एजिटेटर लगाएंगे तो क्या होगा, ये इतनी तेज मिक्सिंग करना स्टार्ट करेगा कि जो हमारी इसमें टाइम कई साल लग रहे थे वो इसमें 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाएगा। तो हमारे अधिकतर जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है डिफ्यूजन के लिए, वो हमेशा एडी डिफ्यूजन यूज की जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फिक्स लॉ क्या होती है, देखते हैं फिक्स लॉ क्या है हमारी, फिक्स लॉ क्या होती है। तो हम देखें तो फिक्स लॉ की जो बेसिकली डिफिनेशन होती है, कि जो होती है फिक्स लॉ की डिफिनेशन, वो
मोल फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजिंग कंपोनेंट, जो डिफ्यूज कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखते कैसे होता है, ये हमारी जो होती है मोलर फ्लक्स, उसे जे से डिनोट करते हैं और किसी कंपोनेंट ए का है। मोलर फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजिंग कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, सी ए कंसंट्रेशन को डिपेंड कर रही है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डीएक्स, ये हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक, क्या मैंने डिफिनेशन में बोला, मोल फ्लक्स ऑफ डिफ्यूजिंग कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो एच डायरेक्शन है हम इसे जेड डायरेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 3D में यूज किया जाता है, इसलिए आप जेड भी यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम बुकों में जेड ही डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या इसको प्रोपोर्शनल, जब हम हटाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, तो इसके लिए यहाँ पर हम माइनस डी ए बी यूज कर लेते हैं। अभी हम बताते हैं कैसे है, ऑन डी जेड, जो ये डी ए बी हमारी है वो डिफ्यूजिविटी को डिनोट करती है, कि जो डिफ्यूजन हो रहा है कितनी वेलोसिटी से या कितनी तेज डिफ्यूज हो रहा है उसको बताती है डिफ्यूजिविटी। ठीक, ये होती है हमारी फिक्स लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है अगर डिफ्यूजन चैप्टर से या मास ट्रांसफर में कोई क्वेश्चन पूछी जाती है तो फिक्स लॉ जरूर पूछी जाती है। हमारी ये जो निगेटिव साइन है बहुत कंफ्यूजन करती है कि निगेटिव साइन क्यों यूज किए हैं, तो ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंसंट्रेशन हमारी घटती जाती है, और डिफ्यूजन वही होते हैं जहां हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हम जाते हैं। डिफ्यूजन हमने पहले पढ़ा कि मास का ट्रांसफर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, इसलिए निगेटिव जो डिनोट करता है कि मास का ट्रांसफर हाई टू लो होगा। ठीक है ना, ये होती है हमारी फिक्स लॉ हो गई, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स हो गए, फिक्स लॉ हो गई। अब हम बात करेंगे मास ट्रांसफर कोफिशियंट, मास ट्रांसफर कोफिशियंट क्या है उसके बारे में बात करें, देखते हैं मास ट्रांसफर क्या है। तो जैसे हमने मास ट्रांसफर कोफिशियंट के बारे में बात कर रहे हैं, मास ट्रांसफर कोफिशियंट, तो हमने क्या पढ़ा फिक्स लॉ के द्वारा, जो हमारा मोलर फ्लक्स होता है, जो मोल फ्लक्स डायरेक्ट लिख लेते हैं इसे, जो हमारा मोल फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो डिस्टेंस छोड़ दे तो कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो हम जानते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, मोलर फ्लक्स ये हटाएंगे, तो इसके लिए आप हमारा क्या रहेगा, मास ट्रांसफर कोफिशियंट इंटू कंसंट्रेशन, ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई। ठीक, ये होती है हमारी मास ट्रांसफर की बेसिक डिफिनेशन, जो यहां से आती है वो फिक्स लॉ से ही आती है। अब हम यहां से मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की डिफिनेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली, इसको यहां करें, इसको नीचे लेकर आए, मास ट्रांसफर ये मोलर फ्लक्स हो गया अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक, इक्वल टू मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब डिफिनेशन हम बेसिकली कर सकते हैं, और यहां पर एक छोटी सी बात जानने की बात क्या आती है, कंफ्यूजन बहुत लोगों की होगी कि ये मोलर फ्लक्स क्या है, तो जहां फ्लक्स की बात आ जाती है वहां पर यूनिट एरिया में ऐड कर देते हैं, जैसे मोलर फ्लक्स तो हमारा मोल्स था, ठीक, मोल था, पर यूनिट जब एरिया हम इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है फ्लक्स में, मतलब मोलर फ्लक्स हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहां से डिफिनेशन क्या निकालेंगे हम, रेट ऑफ ये मोल फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जैसे ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोल फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये डिवाइड हमारा रेशियो में आ रहा है, इसलिए इसको मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कह सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के कितने टाइप्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखते हैं, जो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट होती है वो बेसिकली हमारी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारी होती है इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, इंडिविजुअल या इसे फिल्म में बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, दूसरा होता है ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक, ये दो होते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होते हैं, ये जो मास ट्रांसफर होती है वो एक फिल्म की जो होती है बल्क से इंटरफेस तक होती है, समझते हैं कैसे, मान लेते हैं हमारी ये कोई इंटरफेस है जो दो फेज को अलग करती है, मान लेते हैं इधर हमारी गैस थी, इधर हमारी लिक्विड थी, ठीक है ना, और ये हम कर्व खींच लेते हैं, ये हमारी डिस्टेंस है और ये हमारी जो है कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये हम दो के बीच हम कर्व खींच लिए, ये मानते हैं जो हमारी पार्टीशियन है वो गैस और लिक्विड को अलग कर रही है, ठीक, तो जो इंडिविजुअल होते हैं इसमें मास का ट्रांसफर क्या होता है, ये मानते हैं बल्क है, बल्क मतलब 100%, 100% मतलब क्या, उस
उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्ट हो, पूरी 100% हो, ना कि अलग अलग हो, सेचुरेटेड हो पूरी 100%। तो यहां से जो मास ट्रांसफर होती है इंडिविजुअल में, एक फेज की बल्क मतलब यहां पूरी थी और इंटरफेज तक होती है, मतलब एक फेज की बल्क से इंटरफेज तक यहां तक मास ट्रांसफर होंगे इंडिविजुअल में। अब हम बात करते हैं यहीं पर ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, इसमें क्या होते हैं, इसमें मास का ट्रांसफर एक फेज की बल्क से मतलब यहां से शुरू होगा और दूसरे फेज की बल्क तक होगा। मास ट्रांसफर यहां से शुरू हुआ, इंटरफेस तक आया, इंटरफेस से शुरू हुआ बल्क तक आया, मतलब इसमें क्या होते हैं, बल्क से बल्क तक मास ट्रांसफर होंगे फेज के अकॉर्डिंग। यहां गैस या लिक्विड, तो गैस की हमारी बल्क से लिक्विड की बल्क तक मास ट्रांसफर होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई डाउट आपको नजर आ रहा है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।